अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे दावतों वाला क्रीमी व्हाइट चिकन। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ है, मैंने विद बोन लिया है। आप विदाउट बोन के भी, मतलब बोनलेस चिकन भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए जिसको मैंने स्लाइसली चॉप किया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर जाएगा 1 कप जितना फ्रेश क्रीम जाएगा। अगर क्रीम ना हो घर में तो आप दूध की जो मलाई होती है वो मलाई भी यूज कर सकते हो, वो भी क्रीमी होता है। तो वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम दही। 200 ग्राम आपने इसमें दही लेना है। दही से जो है ग्रेवी जो है क्रीमी और टेक्सचर, मतलब जो है उसका क्रीमी सा होता है। 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर हम लोगों ने लिया है जीरा पाउडर, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है इलायची पाउडर 1 टीस्पून है, और यहाँ पर इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया हुआ है। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर हम लोगों ने 1/2 टेबलस्पून लिया है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। मैंने 10 से 12 ग्रीन चिली थी जिसको मैंने क्रश करके लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कसूरी मेथी ली हुई है मैंने, 1 टेबलस्पून जितना कसूरी मेथी है। और यहाँ पर मैंने लिया है जावित्री, और 1 जावित्री ली हुई है मैंने। दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया हुआ है 2। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जितना लिया हुआ है काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून जितना लिया है मैंने लौंग, और यहाँ पर मैंने 5 हरी इलायची ली है। और इसको या तो आप घी में बना सकते हो या तो बटर में बना सकते हो। तो मैं इसको बनाने वाली हूँ घी में, वो भी घी में। अगर आप बनाओगे तो डालडा घी नहीं आपने यूज करना है, देसी घी में इसको बनाना है। तो देसी घी में मैं इसको बनाऊंगी। अब इसको बनाने का तरीका बताएंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें अभी घी डालेंगे। 2 टेबलस्पून जितना इसमें घी ऐड करेंगे। अभी इसमें प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को जो है हल्का कलर चेंज करेंगे। ज्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही इसका कलर चेंज करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जल्दी से जो है इसका कलर चेंज होने लगे। यहाँ पर देखिए, प्याज का जो कलर है ये इतना ही चेंज करना है, इससे ज्यादा इसको चेंज नहीं करना है। अब इसमें सारे खड़े गरम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देंगे। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ग्रीन चिली का पेस्ट, और इसकी कच्ची स्मेल जाने तक अच्छे से इसको भून लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो था कच्ची स्मेल उसकी चली गई। अब इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को भी अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर देखिए, अच्छा चिकन अच्छे से भून गया है। अभी सारे ये जो पाउडर मसाले हैं ये इसमें डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे दही, दही को अच्छे से फेंट के लेना है, और उसको अच्छे से दही को भी अच्छे से भूनेंगे उसके अंदर। यहाँ पर देखिए, दही को भी अच्छे से ये कर दिए, पका लिए। अब इसमें डालेंगे क्रीम, पूरा 1 कप भरकर इसमें क्रीम डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, और इसको बस 1 मिनट ही पकाएंगे, उसके बाद में इसको सर्व कर देंगे। कसूरी मेथी को पहले हम लोगों ने अच्छे से क्रश कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से क्रीमी चिकन जो है बनकर रेडी हो गया है। बस अब इसको सर्व करेंगे, और इसका टेस्ट जो है एकदम क्रीमी। यहाँ पर देखिए, क्रीमी चिकन जो है बनकर रेडी है, दावत वाला क्रीमी चिकन। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।